हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आ गई हूँ। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दी हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि अब आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, एकदम प्रैक्टिस करते रहिए। छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, इजी क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं सभी टॉपिक को एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, ये आपका प्रैक्टिस सेट 125-125 क्वेश्चन का मैं 14 प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जो आपके एग्जाम से पहले सभी 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो मैं सभी प्रैक्टिस सेट करवाई हूँ इससे पहले टॉपिक वाइज, उसको भी रिपीट कीजिए। और जो मैं अभी 125 क्वेश्चंस का 14 प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, सभी को प्रैक्टिस करके जाइए। तो दोस्तों, चाहे बीपीएससी, चाहे ईएमआरएस, चाहे ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे सभी प्रकार की वीडियो अवेलेबल है। सभी वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसका है? तो यह परिभाषा जेबी नैस का है। परिभाषा से 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेगा, याद रखिएगा, शारीरिक शिक्षा के परिभाषा से। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? तो वायरस से तो होगा नहीं, क्योंकि चेचक और छोटी माता ये दोनों वायरस से होगा, और तपेदिक जो है आपका बैक्टीरिया से होगा, तो कोई एक तो हो नहीं सकता। इसलिए क्या है, तीनों वायु से फैलने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेशीय विज्ञान का जनक यानी किन्सियोलॉजी का जनक कौन है? तो अरस्तु है। अरस्तु दोस्तों केवल पेशीय विज्ञान के ही जनक नहीं है, यह फादर ऑफ साइंस यानी बायोलॉजी के भी जनक है, जूलॉजी के भी जनक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के भेद कौन से हैं? तो यहाँ पे तो आप सभी कर सकते हैं कि वातावरण के भेद हैं, तो भौगोलिक, सामाजिक वातावरण, अनुकूल, प्रतिकूल वातावरण, ये सभी हम कह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भौगोलिक और सामाजिक वातावरण होता है। लेकिन यहाँ पे आंसर दिया है अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण, ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न से किस देश के विरुद्ध मैराडोना ने शतक का गोल किया? तो दोस्तों, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना ने 22 जून 1986 को खेले गए विश्व कप फुटबॉल मैच में क्वार्टर फाइनल में अपना 100वां गोल इंग्लैंड के विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से रिलेटेड हैं। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इस प्रकार ये लगातार 2 ओलंपिक मुकाबले में व्यक्तिगत स्पर्धा पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कुशल प्रशिक्षक का संबंध है? तो दोस्तों, एक कुशल प्रशिक्षक वही माना जाएगा जो त्रुटि को देखेगा और उसमें सुधार भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए, तो कैसा उद्देश्य होना चाहिए? तो विषय वस्तु पर विशेष ध्यान होना चाहिए। जिस विषय के लिए आप पाठ योजना बनाए हैं, उस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि है? तो किसी भी चीज को सीखने की उत्तम विधि है प्रैक्टिस यानी अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाएगा? टेनिस फोरहैंड में हम टेनिस को उसको मार रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज को फेंकने या मारने की प्रक्रिया जो है हमारे वक्ष पेशी पेक्टोरलिस मेजर करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, थ्रोइंग मसल से बोला जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न खाद्य पदार्थों में से किसमें कैलोरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों, इन सभी में मक्खन जो है, मक्खन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है?
तो दोस्तों ये जनसंपर्क के मुख्य साधन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एड्स नहीं फैलता, तो यौन प्रेशर से, रक्त प्रेशर से, माँ से, शिशु में प्रेशर से, इन तीन माध्यम से ही केवल फैलता है और चौथा कोई कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे रक्त ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है, तो ये 18x9 मीटर होता है उसके वॉलीबॉल कोर्ट का माप। जिसमें से वॉलीबॉल जो गेंद होता है, बॉल होता है, उसका भार होता है 250 से 260 ग्राम और गेंद का परिधि होता है 65 से 67 सेंटीमीटर और प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं, तो हृदय की मांसपेशियां अनैच्छिक प्रकार की होती है, हमारी इच्छा अनुसार नहीं, ये जीवन प्रयत्न बिना रुके काम करती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव क्या है, तो व्यायाम से हमारे श्वसन संस्थान में क्या है, हमारे शरीर में इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया की दर में कमी हो जाती है, सहन शक्ति में वृद्धि हो जाती है, उपरोक्त सभी यहाँ पे प्रभाव होगा व्यायाम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों में कुछ हिस्से में ब्रेक आ जाती है, टूटती नहीं ब्रेक आ जाती है, मुड़ जाती है, उसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं, तो ये सभी गुण हैं एक कुशल नेता के। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले उपकरण कितने प्रकार के हैं, तो मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले 4 प्रकार के उपकरण होते हैं, अभिकरण होते हैं, शासकीय एजेंसियां, शासकीय अभिकरण, स्वयंसेवी, निजी और व्यापारिक। शासकीय अभिकरण में NCC NSS आता है, स्वयंसेवी YMCA YWCA, निजी में नृत्य क्लब, ऑर्केस्ट्रा, वाद विवाद, व्यापारिक में टीवी प्रदर्शन, प्रदर्शनियां आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मुरल कहते हैं। अगर संस्था के चार दीवारी के अंदर होता है तो इंट्रा मुरल होता, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, यानी कि पिछले 4 वर्षों से विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। इसमें इस समय 15 लाख धनराशि दिया जाता है, यानी कि इस समय दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, जिसमें 25 लाख धनराशि दिया जाता है, 1991-92 में शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख शुरू दिया जाता है, 1961 से दिया जा रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी 15 लाख दिया जाता है, 1985 से यह शुरू हुआ। लाइफ टाइम ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख दिया जाता है, 2002 से ये दिया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मौका ट्रॉफी 56-57 से दिया जा रहा है, जिसमें 15 लाख धनराशि दिया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग है, तो जीभ होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, सामान्यतया पाठ्यक्रम को समझा जाता है, तो दोस्तों पाठ्यक्रम क्या होता है, किसी भी संस्था द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम होता है उसी को पाठ्यक्रम कैरिकुलम बोला जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, शारीरिक विकलांगता होती है, तो दोस्तों शारीरिक विकलांगता जो होती है कुपोषण के कारण भी होती है, रोग के कारण भी होती है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, छोटे बच्चे के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल होता है, होना चाहिए क्या, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर के मांसपेशियों, उत्तक, कोशिकाओं का निर्माण करता है, टूटी फूटी कोशिकाओं और उत्तकों का मरम्मत करता है, तो उसके लिए छोटे बच्चों को ज्यादा जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। किसी व्यक्ति यदि शोधकर्ता के लिए सबसे अच्छी शोध समस्या क्या होती है, तो दोस्तों यहाँ पे वह एक जो उसके शोध निदेशक से सुझाया गया हो, वह एक जो दूसरे द्वारा प्रयास किया गया हो, उसके स्वयं की समस्या, ये तीनों नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिन में से क्या वंशानुक्रम का विषय है, दोस्तों आचरण, ढंग एवं शिष्टाचार, आदत और दिनचर्या, ये तो हम क्या करते हैं, जन्म लेने के बाद सीखते हैं, यानी कि वातावरण में जैसा वातावरण रहता है वैसा हम सीख जाते हैं, लेकिन जो हमारा व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के जो लक्षण हैं,
रूप रंग आकार आकृति ये सब हमारे वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। व्यक्तित्व के लक्षण राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो लुसिन ब्रोहा के द्वारा 1943 में कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए, मापन करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों समान तत्वों का सिद्धांत, यानी समान समान विशेषता होगी, सीखने का स्थानांतरण क्या होता है? पहले से सीखा हुआ कोई कार्य है, जब नए कार्य आप कर रहे हैं तो उसको सीखने में सहायता करे, तो वो आपका होता है सीखने का स्थानांतरण। तो उसमें समान तत्व मिलता जुलता रहेगा तभी तो स्थानांतरण होगा। तो समान तत्व का सिद्धांत थांडाइक ने दिया है। समान तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? समान तत्व थांडाइक का मानना है कि विषय वस्तु तथा प्रक्रियाओं में समानता होती है, मनुष्य के कुछ विशेष आदर्श व लक्ष्य होते हैं तथा जब वे उन क्षेत्रों में कार्य करते हैं जहां होते हैं, जब वे उन क्षेत्रों में कार्य करते हैं जहां उनके लक्ष्य समान होते हैं, जहां यहां प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता है, जब राशियां समान हो तब स्थानांतरण ज्यादा प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं? तो लीग प्रतियोगिता को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 31 है, उतक किसे कहते हैं? दोस्तों समान रचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उतक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शैक्षिक व्यायाम है? तो योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम सभी के सभी शैक्षिक व्यायाम है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 5000 से 11000 होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आप सबको पता है 32 होती है, जो चार प्रकार के होते हैं, इनसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में, लंबी अस्थियों के खोखले भाग में होता है बोन मैरो, इससे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित स्वास्थ्य संकल्पनाओं में से कौन सी संकल्पना नवीनतम है? तो दोस्तों मानसिक, सामाजिक एंड ये प्राचीन है, अधिधार्मिक संकल्पना जो है ये नया जुड़ा हुआ संकल्पना है स्वास्थ्य की। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है, शरीर का 70% भाग बना होता है तो पानी से भरा बना होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट कितने समय के लिए होता है? तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम को 2 टाइम आउट 30-30 सेकेंड का दिया जाता है और एक टेक्निकल टाइम आउट 60 सेकेंड के 2 अतिरिक्त तकनीकी टाइम आउट दिए जाते हैं जब लीडिंग टीम 8 या 16 अंक पर पहुंचती है। दी गई नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई खेल सामग्रियों का वजन के अनुसार घटता क्रम बताइए। तो दोस्तों जैसा कि सबसे ज्यादा वजन किसका होता है? गोला फेंक का, ठीक है। गोला फेंक का वजन कितना होता है? 7.26 kg पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 4 kg। तो पहले 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका होगा डिस्कस थ्रो, 2 kg पुरुषों के लिए और 1 kg महिलाओं के लिए। तो 2 के बाद 1 हो जाएगा। भाला फेंक में कितना होता है? 800 ग्राम पुरुष के लिए, 600 ग्राम महिला के लिए। तो आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 213। कहाँ पे दिया हुआ है? 213, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन होती है? दोस्तों तो सार्टोरियस होती है। एंड सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लोडियस मैक्सिमस, एंड सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस कान की, एंड सबसे मजबूत मांसपेशी मसेटर मसल्स निचले जबड़े की। क्वेश्चन नंबर 41 है, जहां खेलों में सामाजिक मूल्यों के मापन का आधार प्रतियोगिता में समानता माना जाता है, वहां पर खिलाड़ी अधिक महत्व किसको देते हैं? उपलब्धि की आवश्यकता को देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में क्या कार्य होता है? तो दोस्तों लंबी अस्थियां मानव शरीर में उत्तोलक की तरह कार्य करते हैं। हमारा शरीर असंख्य छोटी नवीन जीवित इकाइयों का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं?
कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस संधि में अस्थि को 360 अंश में घुमाया जा सकता है? तो दोस्तों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यानी कि कर्णुक खलिका संधि को 360 अंश तक घुमाया जा सकता है, जिसमें हमारा हिप और शोल्डर आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो 28 औंस होता है हॉकी स्टिक का वजन। एंड क्वेश्चन नंबर 47 है, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से है, पूर्णिमा ट्रॉफी वॉलीबॉल से है, तो यहाँ पे बास्केटबॉल ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित है, एस एम अर्जुन राजा ट्रॉफी। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है, बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI की स्थापना कब हुआ? तो 1960 में हुआ, कहीं कहीं 1955 भी मिलता है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंध है? दोस्तों तो आधुनिक पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर लास्ट में अब वर्तमान में उसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो व्यवहार से संबंध है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 52 है, गर्मी में लू से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार देना चाहिए? तो सबसे पहले उसको पीड़ित व्यक्ति को ठंडे स्थान पर लिटाना चाहिए, उसके बाद दूसरा उपाय करना चाहिए, सामान्य होने पर पानी देना चाहिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से किसने इतनी सघनता से खेलों में आम रुचि को बढ़ावा दिया है? तो दोस्तों जो रेडियो टेलीविजन पर सीधा प्रसारण हो रहा है उससे खेलों में रुचि ज्यादा बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है? तो कुशल योजना जब हम कुशलता जो स्किल है उसमें पूर्ण कुशलता प्राप्त कर लेते हैं कला पर, तब यानी कि कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के बाद कुशल योजना एक प्रभावी योजना बनाते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 55 है कि वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल का पास देने में क्या करते हैं? तो दोनों हाथों की उंगलियों का प्रयोग करते हैं ओवरहैंड पास देने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सी दो प्राकृतिक आपदाएं वर्षा से संबंधित है? तो बाढ़ और सूखा। एंड क्वेश्चन नंबर 57 है, किसके मापन के लिए वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो जैविक क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी को मापने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 58 है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों माइकल जॉर्डन जो है वह बास्केटबॉल खेल से संबंधित है, और माइकल जॉर्डन जो है 17 फरवरी 1961 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जन्मे थे, जो एक पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो 33 हड्डियों से मिलकर बना है। जो बच्चों में 33 होते हैं वयस्कों में 26 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरी भी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पारिवारिक मनोरंजन क्या है? तो दोस्तों ऐसे कार्य का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजन किया जाता है उसे पारिवारिक मनोरंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा जो है वह मुख्य श्वसन अंग है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सेल्डन द्वारा किया गया वर्गीकरण कौन सा है? तो सेल्डन ने बॉडी टाइप को 3 प्रकार में बांटा है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक यानी गोलकार शरीर, मेसोमॉर्फिक यानी पेशी प्रधान मजबूत शरीर, एक्टोमॉर्फिक यानी अस्थि प्रधान लंबा दुबला पतला, ठीक है। एंड क्रेसमर ने किसने भागों में बांटा है? 4 भागों में, पिकनिक,
एथलेटिक एस्थेनिक डायस्प्लास्टिक। एंड क्वेश्चन नंबर 64 है, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? और ऐच्छिक पेशी जो हमारे आंतरिक अंगों जैसे अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? तो 29 अगस्त को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, YMCA की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1920 में PM जो SC बक ने किया था। किसने? SC बक ने किया था YMCA की स्थापना। और इंग्लैंड में जॉर्ज विलियम ने 6 जून 1844 में किया था। SC बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा को दिया है BN झा ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो वह होता है आपका पेल्विक। एंड क्वेश्चन नंबर 69 है कि बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किसने किया था? तो जेम्स निस्मिथ ने किया था 1891 ईस्वी में अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? तो दोस्तों, पुरानी सिख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना ही प्रशिक्षण का स्थानांतरण है। ये 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। जब पुरानी सिख जो है पहले का ज्ञान नए कार्य करने में या सीखने में सहायता करे तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब पुराना स्किल या ज्ञान नए कार्य करने में सहायता न करे, बाधा उत्पन्न करे, तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब पुराना जो ज्ञान है वो नए कार्य करने में न सहायता करे, न बाधा उत्पन्न करे, तो वह शून्य स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से क्या मनुष्यों में एक गैर संक्रामक रोग है? तो दोस्तों, यहाँ पे हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, ये 3 संक्रामक रोग है। कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं है। ये शरीर के अंदर कोशिकाओं का अचानक से अनकंट्रोल या बहुत ज़्यादा जो है विभाजन होने से एक जगह पे, तो उसे कैंसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, पाठ योजना के भाग हैं? तो दोस्तों, एकत्रीकरण यानी कि असेंबली, प्रस्तावित व्यायाम यानी वार्मिंग अप, कौशल अभ्यास यानी स्किल का प्रैक्टिस, ये 3 जो है आपके पाठ योजना यानी कि पाठ योजना के भाग हैं, ठीक है, लेसन प्लान के। एंड क्वेश्चन नंबर 73 है, किन 3 व्यक्तित्व के गुणों के कारण सारे शिक्षक दूसरे से अलग होता है? वो 3 व्यक्तित्व हैं, प्रभावी आकर्षण, बेहतरीन स्वास्थ्य, उच्च स्तर की सक्षमता। क्वेश्चन नंबर 74 है, मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है, यह कथन किसका है? तो जॉर्ज रोमिनी का है। क्वेश्चन नंबर 75 है, NSNIS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसकी स्थापना 7 मई 1961 में किया गया था पटियाला में। एंड क्वेश्चन नंबर 76 है, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कैल्शियम। और कैल्शियम जो है रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? तो यह मनोरंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन BC और H है, वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? तो रक्त वर्ग O को सर्वदाता कहा जाता है और रक्त वर्ग AB को सर्वग्राही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों, बीच में स्टर्नम यानी कि मोटी हड्डी होता है, जिसमें दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं, यानी कि कुल कितनी जोड़ी है? 12 जोड़ी, संख्या में कहेगा तो 24। क्वेश्चन नंबर 81 है, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है, तो किसमें? तो प्रोटीन जो है शरीर का निर्माण करता है।
क्वेश्चन नंबर 82 है, बास्केटबॉल मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो दोस्तों जंप बॉल से होती है, यहाँ पे दिया नहीं है तो यहाँ थ्रो बॉल आपका राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 83 है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है। सूर्य की प्रकाश जो है त्वचा में, त्वचा जो है सूर्य के प्रकाश लेकर के विटामिन डी का निर्माण करता है, ये भी याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रतियोगिता कितनी प्रकार की होती है? तो प्रतियोगिता 4 प्रकार की होती है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेरणा से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन इस समय पूछ रहा है। तो प्रेरणा 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 86 है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को दिया जाता है, 1985 से दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 है, लिंबाराम का संबंध किससे है? तो दोस्तों लिंबाराम का संबंध तीरंदाज से है, तीरंदाजी से है, और इन्हें लिंबाराम को वर्ष 1991 में खेल क्षेत्र के प्रतिष्ठित सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने वर्ष 1992 में बीजिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 88 है, माइलो जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार भाग लिया, ठीक है, 6 बार भाग लेने का रिकॉर्ड बनाया, तो कौन सा, किस क्षेत्र में खिलाड़ी था वो? तो कुश्ती का खिलाड़ी था, किस क्षेत्र का? कुश्ती का खिलाड़ी था। एंड क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रथम एशियाई खेलों में भारत का स्थान कौन था? तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों में भारत का दूसरा स्थान था, पहला जापान का था। प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने 15 स्वर्ण, 16 रजत, 20 कांस्य पदक सहित 51 पदक प्राप्त किया था। दूसरे स्थान पर जापान था कुल 60 पदकों के साथ। एंड दोस्तों प्रथम एशियाई खेल आपका 1951 नई दिल्ली में हुआ था, और 17वें एशियाई खेल वर्ष 2014 में इंचियोन दक्षिण कोरिया में हुआ था। एंड 18वां एशियाई खेल 2018 में जकार्ता पालेमबांग इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, और 22वां एशियन गेम ह्वांगझो चीन में होना था जो 2023 में संपन्न हुआ है। और 2023 के ह्वांगझो चीन में एशियन गेम में भारत का 4वां स्थान है, भारत ने कुल 107 पदक प्राप्त किया है। पहला स्थान 2023 में चीन का है, दूसरा जापान का है, तीसरा कोरिया का है, तब 4वां भारत का है। क्वेश्चन नंबर 90 है, अभिजीत गुप्ता का संबंध किससे है? तो दोस्तों अभिजीत गुप्ता का संबंध किससे है? तो यह शतरंज खिलाड़ी है, यानी कि अभिजीत गुप्ता वह है 2002 में मात्र 13 वर्ष और 10 दिन की उम्र में राष्ट्रीय जूनियर अंडर 19 शतरंज चैंपियनशिप बने थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का पठन MMHg से ऊपर होता है उन्हें उच्च रक्तचाप का मरीज माना जाता है, यानी कितना से ऊपर रहेगा तो उसको हाई ब्लड प्रेशर का मरीज माना जाएगा। तो जैसे कि नॉर्मली कितना होता है 120-80, यानी 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। तो अगर सिस्टोलिक प्रेशर 140 और डायस्टोलिक 90 हो जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर के अंतर्गत आएगा, तो 140-90 आपका राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं? तो जहां बॉडी स्ट्रक्चर की बात आए वहां शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी आपका राइट होगा, फंक्शन की बात आए तो फिजियोलॉजी राइट होगा, यानी शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है कि प्रथम राष्ट्रीय मैराथन दौड़ कहाँ आयोजित किया गया था? तो पुणे में आयोजित किया गया था प्रथम राष्ट्रीय मैराथन दौड़, पुणे में के डेक्कन जिमखाना में वर्ष 1918 में आयोजित की गई थी। पुणे इंटरनेशनल मैराथन वर्ष 1983 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, अभ्यास का नियम और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों थानाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है अभ्यास का नियम लॉ एक्सरसाइज जिसे हम उपयोग अनुपयोग यूज मिसयूज का नियम भी कहते हैं, और तीसरा है प्रभाव का नियम जिसे लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे उपयोग अनुपयोग का नियम राइट होगा, अभ्यास के नियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 72 से 75 बार प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 96 है,
बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार क्या है? तो ऊंचाई, मोटाई, विकास ये भिन्नता का आधार नहीं हो सकता है। लिंग भेद जो है बालक बालिकाओं के भिन्नता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 97 है, टैग प्रतियोगिता कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद जो है ये पोल वॉल्ट जंपिंग इवेंट है, भाला फेंक थ्रोइंग इवेंट है, मैराथन जो है आपका ट्रैक प्रतियोगिता है। ट्रैक प्रतियोगिता के अंतर्गत 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 10000 मीटर दौड़े आती हैं और 3000 मीटर स्टीपल चेज और मैराथन दौड़ आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है तो उसे कहते हैं फुफ्फुसी या पल्मोनरी धमनी, जो दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को लेकर के फेफड़ों में जाकर शुद्ध करती है, उसके बाद जो है पल्मोनरी शिराएं शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में ले जाता है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है जहां से समस्त शरीर को भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना 1975 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 100 है, हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि क्या है? तो 60 मिनट है, 15-15 मिनट के चार क्वार्टर्स होते हैं, 15-2-15 फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 15-2-15 यानी कि 15-15 मिनट के चार क्वार्टर्स होते हैं। तो 15-15 मिनट के चार क्वार्टर्स होते हैं, सॉरी दोस्तों जो मध्यांतर होता है 5 मिनट का होता है और क्वार्टर ब्रेक जो है 2 मिनट का होता है, याद रखिएगा ठीक है। मध्यांतर जो है बीच में 5 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ऊर्जा देने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है, दूसरा शरीर के निर्माण करने वाले प्रोटीन आता है, तीसरा शरीर की रक्षा करने वाले मिनरल्स एंड विटामिन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, शिक्षा पद्धति पाठ्यक्रम विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। तो क्या वो मूल्यांकन होता है जिसके अनुसार हम सुधार करते हैं जो भी कमियां होती हैं, ठीक है, इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 103 है, स्ट्रेन क्या है? तो दोस्तों स्ट्रेन जो है मांसपेशी और टेंडन का चोट है, यानी मांसपेशी टेंडन का अधिक खींच जाने से स्ट्रेन यानी कि खिंचाव होता है, और स्प्रेन यानी कि मोच जो है वो लिगामेंट का चोट है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है मेजर ध्यानचंद को। क्वेश्चन नंबर 105 है, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिसमें से हमारे शरीर की जो आवश्यकता होती है उसके 55-60% वर्णित कार्बोहाइड्रेट हम यूज करते हैं, 15-20% प्रोटीन और 25-30% वसा हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, इनमें से किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापन नहीं लिया जाता है? तो दोस्तों स्किन फोल्ड मापन उस जगह लिया जाता है जहाँ पे पकड़ अच्छी हो, जैसे बाइसेप्स, काफ मांसपेशी, पेट, इन जगह पर लिया जाता है जबकि हथेली पर नहीं लिया जाता। क्वेश्चन नंबर 107 है, लचीलेपन को स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो लचीलेपन क्या करता है? जब आप एक्सरसाइज या वार्मिंग अप करते हैं तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होता है जो मांसपेशियों को खींचने से या चोट से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, हृदय के किस भाग यानी चैम्बर से महाधमनी जुड़ी होती है? तो दोस्तों बाएं नीले से जो है महाधमनी एरोटिक वाल्व के रास्ते जुड़ी होती है, जिसके जिससे महाधमनी से रक्त को समस्त शरीर में भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणी है? तो वह होता है आपका गति यानी कि चाल यानी स्पीड। क्वेश्चन नंबर 110 है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों अरस्तु और प्लेटो दोनों ने कहा था, लेकिन आयोग इसको केवल अरस्तु को माना है तो अरस्तु ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू कप जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। अगर जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी दिया रहेगा तब हॉकी से संबंधित होगा, एंड नेहरू गोल्ड कप भी या नेहरू कप
फुटबॉल, नेहरू गोल्ड कप और नेहरू कप आपका फुटबॉल से संबंध है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्न में से कौन सी दवा या रसायन मानव शरीर में आरामदायकता का अनुभव करती है, शिथिलता लाती है, तो वो होता है कैनाबिनॉइड्स, जिसमें हशीश और गांजा आता है, ठीक है। मैराजुआना यानी कि गांजा, हशीश यानी कि भांग, ये आपको माइंड को शिथिल कर देता है, ठीक है। और जो हमारा शराब होता है एल्कोहल, एक सीएनएस अवसाधक, वो भी है आपका माइंड को शिथिल अवस्था में ला देता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, वातावरण का क्या अर्थ है, तो ईए रास की परिभाषा है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यही वातावरण का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, खो खो मैदान की माप क्या है, तो दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि पहले के हिसाब से 29x16 था लेकिन अब 27x16 हो गया है, याद रखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 115 है, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है, तो किक शब्द सुनते ही आप फुटबॉल लगाइए, फुटबॉल जो है कॉर्नर किक फुटबॉल से संबंधित है, अन्य में जैसे कि पेनाल्टी किक, डायरेक्ट किक, फ्री किक, कॉर्नर फ्लैग, फॉरवर्ड शब्द भी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116 है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार नगद राशि कितना है, तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुआ, लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज होकर के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जिसमें 25 लाख की धनराशि दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों नॉर्थ स्मिथ है, अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में इन्होंने 1891 में बास्केटबॉल खेल को खोजा। एंड क्वेश्चन नंबर 118 है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। एंड क्वेश्चन नंबर 119 है, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है, तो प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट करता है, जिसे हम हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं, विषाणु नहीं, ठीक है, रक्त बिंबाणु होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना क्या है, तो यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की, और यकृत नहीं दिया जाएगा तो बड़ी रचना पूछेगा तो त्वचा हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं से किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, और अल्फा कोशिका से ग्लूकागन स्रावित होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, YMCA क्लब बालक स्काउट गाइड, बालिका गाइड किस अभिकरण से अंतर्गत आते हैं, यह स्वयंसेवी अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, जिम्नास्टिक में वर्ल्ड स्पर्धा के लिए रनवे या धावन पथ की लंबाई कितनी होती है, तो इसके लिए होता है 20 मीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 124 है, 13 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर में ऊपर के हाफ में कितनी टीमें रहेंगी, तो दोस्तों N+1/2 यानी 13/2, तो 13 + 1 = 14 यानी 7, यानी 7 आपका राइट होगा, ठीक है। यानी कि जब संख्या सम हो तो नॉकआउट में टीमों को बांटने का सूत्र होता है NB/2, और जब विषम हो तो ऊपर के हाफ में N+1/2 और नीचे के हाफ में N-1/2, यानी कि ऊपर एक ज्यादा रहेगा नीचे एक कम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है, तो फेफड़ों में होता है, इसको लेकर के अशुद्ध रक्त को जाता है फेफड़ों में, पल्मोनरी धमनी। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का 125 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।